दबदे विच ए मोह दिल विच कोई वै व्लॉग ये आ रहा है एकदम आ रे एकदम कल भाई के इसको अब इसके दोस्तों के पास छोड़ के आ रहा हूँ। इसमें बर्थडे पार्टी में जाना सुबह सुबह केक कटवाने चल रहा है और मैं अपनी राइडिंग फ्यूल अप करवाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो भाइयों फ्यूल अप तो हमने करा लिया, अब हम चलते हैं आगे। अब नहीं रुकना कहीं पे भी, अब पहली पहल निकल ले रहा है और फिर तमन्ना हवेली के पास जाके रुकेंगे। ठीक है मोबाइल से शुरू तो इसके अंदर वाइब्रेशंस भी आती है और हवा की भी साउंड आती है। GoPro वगैरह एक्शन कैम में नहीं आती है आवाज, तो मैं आईफोन से शूट करता हूँ इसमें आती है आवाज, क्योंकि इसमें नॉइस कैंसलिंग माइक नहीं लगा सकते। मैं चाहूँ तो मैं एयरपोर्ट से कर सकता हूँ व्लॉगिंग, पर एयरपोर्ट से क्या हो रहा है कि मेरी आवाज़ अब धीरे आ रही है। मेरे पास है एयरपोर्ट, उसके अंदर नॉइस कैंसलिंग भी हो जाएगी, पर आवाज़ बहुत ज़्यादा धीरे आ रही है। ये देखो नेवला जा रहा हूँ, ये देखो नेवला, इसी वजह से कमर दर्द हो जाते हैं बाइक बना। बढ़िया बढ़िया शूट करें, आखिरी में देखा मेमोरी फुल, वीडियो सेव ही नहीं हुई, ये हुआ मेरे साथ। अभी भी आज भी अकेला हूँ क्योंकि अभिषेक और अज्जू काम से गए हैं और अब रिदम सो रहा है, बहुत जल्दी उठ गया था इस वजह से सो गया था थोड़ी।
ये डल रही है फेंडर लाइन, फेंडर लाइन डली की जैसी क्या चलवाने जाएंगे। यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो गया मेरे को खड़े खड़े, आज बाहर तेज धूप है। इस दुकान में छोटा सा एसी लगा हुआ है, कूलर सा लगा हुआ है छोटा सा, बस वो आवाज दे रहा है। ये भाई कोई और कार का काम कर रहा था, तब हम मेरी कार का काम करने आया है, फिर इधर से गैस चलवा के फिर चलते हैं घर, फिर देखते हो कोई काम होता वो करते हैं। ये भाई कार के नीचे घुस के अब लगा रहे हैं, एक दो जो होते हैं ना नक्के नीचे की तरफ लगते हैं तो वो लग रहे हैं। ये ऐसे होते हैं फेंडर लाइन, ये वाला लॉक लगता है फेंडर लाइन में ऐसे। ये हमारी कार खड़ी फुल ब्लैक सी से हो रही है, एसी में गैस चलाने बहुत बार जरूरी हो गई थी, कूलिंग नहीं करती थी, इतनी गर्मी है यहाँ पे, इतनी जिसकी हद नहीं, हद पार कर गई। अब जाएंगे तो वाला कूलर लग रहा है इधर छोटा सा, फिर अब यहाँ से एसी में गैस चलवाने जाएंगे, वहाँ पे एक ट्यूब भी डलवानी है। इस साइड की मेरी हेडलाइट ख़राब हो रही है, अंदर का लाइट बल्ब होता है ना वो, तो वो भी डलवाएंगे भाई। ये होगी कार, होगी ये हो गया फेंडर लाइन, फेंडर लाइन हो गए, फेंडर लाइन तो डल गई। अब पेमेंट वेमेंट करके सारा कुछ, फिर एसी में गैस दिलवाने चलते हैं। भाई एक चीज़ दिखाऊं, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, एक बार तो लूँगा ज़िंदगी में। इतनी बढ़िया लग रही है ना ये, इसकी हद नहीं, बिना छत के चला हुआ है, एक नंबर पर गर्मी है, दोपहर लगेगी इसमें भी। पर ये जो है ना इसमें टोरा बहुत तगड़ा बना है, बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई जीप, अपनी दुकान बाहर आएगा बंदा जिसकी आई है, मोमो का स्टेयरिंग है इसमें, बलारो का इंजन डल रहा है इसके अंदर, ट्विन टर्बो। टायर देख रहे हो इसके, ये मेरा हाथ और ये टायर, इतना बड़ा टायर है इसका, ट्विन टर्बो बोलेरो इंजन है इसके अंदर, पंजाब रजिस्टर्ड। अभी नेपाल हो गया ये कुछ, ये लगा 3-4 दिन पहले नेपाल से आई है, ये नेपाल लेके गए थे इसे। तो भाई फेंडर लाइन तो डलवा के हम आ गए हैं, एसी के एक बार बंद कर दूँ मैं, एसी बंद करके लॉक करना पड़ता है, हवा की आवाज़ इतनी तेज़ आती है, और तो पहले इतनी गर्मी है, ऊपर से एसी बंद करो, हवा की आवाज़ इतनी तेज। अब हम जा रहे हैं सुखपुरा चौक के पास, जींद बाईपास पे एक टोटल गैराज नाम से गैराज है, उधर भरवाने जाएंगे हम हवा। फेंडर लाइन लगवा लिया, ये आगे अब लग रहा है जाम, बस ये आगे जाम में, अब इधर से धक्के धक्के चींटी की चाल चल चल के जाएंगे। चिड़ियों की दुकान देख रहे हो, मेरे को अपनी चिड़ियों की बड़ी याद आती है, व्लॉग में तो मैंने आज तक दिखाई ही नहीं, मेरे पास चिड़िया थी 10, मैंने फिर दे दिया, वो नहीं हुई वो मेरे से सेट, मेरे घर पे हुई नहीं थी इस वजह से, मैंने वो तो दे दी। फिर अब जा रहे हैं तो वहीं चल के आपसे मिलते हैं, चलो। तो भाई ये दूसरे गैराज में ला, भाई है हमारी गाड़ी में चेक हो रही है गैस। हाँ ये तो वहीं थे भाई, यहाँ से गैस चेक हो रही है, गैस चेक कर रहे हैं। हाँ क्या मीटर उठा भी नहीं भाई, मीटर भी नहीं उठा, गैस तो है भाई, कर भी ऐसी करता। तो भाई गैस तो हमने चेक करा ली, गैस तो पूरी थी, कंप्रेसर खराब है मेरी कार का, और कंप्रेसर का खर्चा आया 12 से 13 हज़ार रुपये, फिर वो तो अभी मैं इसमें करवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये इस साल हो जाएंगे एक्सपायर कार, इसको 10 साल हो गए और डीजल की है, इस साल 10 साल हो जाएंगे, तो अब सीधा नई कार लेंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है, घर पे जाके बात करते हैं इस बारे में भी, मैं कंप्रेसर खराब है, अब देख लो क्या करवाना है, ठीक करवाना है, दूसरी लेनी है, देखते हैं। तो भाई अभी चल रहे हैं हम स्विमिंग पूल, मेरा दोस्त है एक महीने, उसके साथ स्विमिंग पूल जा रहे हैं, उसका फ़ोन आया, हमने हेलमेट उठा लिया, वहाँ पर मोटर ब्लॉगिंग करेंगे, उसके बाद स्विमिंग पूल का आपको दिखाएंगे क्या हम करते हैं कैसे करते हैं। अभी महीने के मैं जा रहा हूँ घर, तो आपको बाइक पर मिलेंगे। इस गली में ही थे इसका घर, इस गली में हम
तुमने जाना इससे अगली गली में, इससे अगली। इससे भी अगली गली में क्या मैं गलत मोड़े क्या मैं मैं इधर की गलियां सारी सेम टू सेम है, वुमन थी वुमन लाइफ वुमन। ये रवि ने भाई का घर, अब जाएंगे मिन्ने भाई के पास, मिन्ने को करता हूँ फोन अभी। तो भाई विनय के घर तो आ गए, ये खड़ा विनय, ये कुत्ता है ना ये मेरे को काटने को हो रहा था, अभी बच गया मैं, बस विनय ने बचा लिया मेरे को, इसने इस लड़के ने बचा लिया। और क्या हाल है विनय के, फिर शूट चल रहा है क्या, तेरी सेटिंग ठीक है भाई? सेटिंग तो काम मेरे से छोटा था, ये मेरे कंधे तक आता था और आज मेरे से इतना लंबा हो गया ये, मेरी इतना लंबा क्या भाई, मेरे से तो लंबा ही अब तू ना घंटा, मेरे से लंबा भाई तू देख ले ले मेरे से लंबा हो गया, मेरे कंधे तक आता था स्कूल में, अब ये मेरे से लंबा हो गया। कैसे भाई, समझ रहे हो, तेरा भाई भी लंबा हो गया, तू भी लंबा हो गया, समझ रहे हो। तो भाई धीरज गया था अभी फोन, उसको चाहिए थी बाइक, तो इसके साथ विनय के साथ जाके उसके घर से बाइक उठा के लाऊंगा। तो भाई हम धीरज के घर के पास तो पहुंच गए हैं, अब उसको देंगे हम ये बाइक, फिर हम जाएंगे। ये विनय तो आज डरा पड़ा बाइक के पीछे बैठ के, क्योंकि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा मैं कितनी स्लो बाइक चलाता हूँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा डर गया है। हम आपको धीरज से मिलवाएंगे, ये गाड़ी स्प्लेंडर। यार धीरज ब्रो, ये रहा भाई धीरज, क्या हाल है भाई के, हैं व्हाई कैमरा साए इनकी आईडी मेंशन करूंगा, इनकी रीले देखना कैमरा साए व्हाई हैं, सफेद कुर्ता पजामा मैंने भी डालना था, फिर आज डाला नहीं मैंने। चलो चले हम इसके चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, वो लोग देखा करो भाई के बहुत अच्छे होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं अपने घर में टीवी में देखते हैं सारों को बिठा के, सच में इतनी बार मैंने देखा हुआ इसके घर आके टीवी में व्लॉग चल रहा हूँ मेरा, बस एक व्लॉग मेरा नहीं चला था जिसमें मैंने राइडिंग करी थी चलो ठीक है ओए होए होए सुबह से R15 चला रहा हूँ ना, स्प्लेंडर पे अजीब सा लग रहा है बड़ा ज़्यादा, नाना ही तो है नहर पे चले जितनी मर्जी देर ना है, छोटी वाली, हाँ अब तो छोटी वाली भी गई, अब तो बड़ी है सिर्फ, हम आ गया यूस के घर के बाहर विनय भाई के साथ, अपना तो ऐसा ही है ठीक है, ये रहा हमारा यूथ भाई, क्या हाल है इधर आना, ये क्या भाई चले के? ये देखो अब गा, मुझे से गा रहा था डांस भी तो कर, चले ई का एक मिनट खत्म ना हो रहा, आधा घंटा हो गया, आयुष मेरा आयुष
ठंडी। अभी मैं बिल्कुल जस्ट अभी बाहर आया था, फोन देखा टेम्परेचर वार्मिंग पे जा रहा था, गर्म हो गया, धूप भद पार तेज है, तो फोन गर्म हो गया, टेम्परेचर वार्मिंग पे चला गया। फिर मैं थोड़ी देर गीला करा धोया इसको, फिर जाके ठीक हुआ। अब सूट भी नहीं हुआ स्विमिंग पूल में, अब मैं अंदर लेके भी जा सकता, अंदर तुम पानी में बड़ा कम ही लेके जाता हूँ। अभी धोया इस वजह से टेम्परेचर बहुत नहीं खा गई थी, अब जाके हटी है टेम्परेचर बहुत, जब से आया ना तब से आई थी गर्मी की वजह से। वो तो अंदर ही है, मैं भी जाऊँगा। चलो तो भाई अब तो हम निकल रहे हैं जिम खाना क्लब से, इधर आ रखे जब स्विमिंग करना है। ये बाइक खड़ी, चल रहे हैं घर। हाँ बैठो, तो काला कर दिया कर प्लान किसका तेरा, इसका लोड़े का था। गाली मत दे भाई, मेरा फैमिली व्लॉग है। अब हम जा रहे हैं घर, देखते हैं अब क्या करते हैं, शाम को निकलते हैं दोस्तों के साथ। गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हैं ये दोनों छछुंदर रहे, छछुंदर गन्ने का जूस आ चुके हैं, पी पी मुच्छ आनी चाहिए, हाँ 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 मुच्छ आनी चाहिए भाई, मुच्छ आनी चाहिए। आगी ना मुझे भाई, गाड़ी भी आ गई। चल भाई ठीक है, जय बाबा की, क्या हाल है। ये हमारा भाई जय बाबा की, कहाँ कोल्ड ड्रिंक बांटने जा रहा है फ्री में। हाँ आ रहे तू व्लॉग में, मेरा व्लॉग देखियो तू, अभय साइकिल व्लॉग्स है, मेरे चैनल का नाम सब्सक्राइब कर लियो। चल ठीक है, चलू मैं भी घर, उधर ही आ रहा है पुल के नीचे ही। चल ठीक, अब हम भी चलेंगे घर, घर जाएंगे फिर हम भी रोटी सब्जी खाएंगे। ये हितेश का घर रहा, सब कर देना। मैं एक महीने बाद व्लॉग डालेंगे, पता नहीं दो महीने हो गया, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना। चलो दब दे विच ए मोह, दिल विच कोई वहर नहीं।